महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि पर खास आयोजन किए जाते हैं। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान है, इस वजह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमा शंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, कृष्णेश्वर शामिल है। जानिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों की खास बातें। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत पर बना हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि एकमात्र यह ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित है। यहां दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हर सिद्धि मंदिर भी स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर हो जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहां ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। यहां की मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम का आकार लिए हुए है, इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3,581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूर पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। यहाँ की मान्यता है कि महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकर आचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीम असुर श्रीराम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी प्राचीन सतपुरियों में से एक है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित वैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित वैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड के देवघर जिले में वैद्यनाथ मंदिर है तो वहीं महाराष्ट्र में परली स्टेशन के पास ही परली गांव में भी वैद्यनाथ मंदिर है। यहां की मान्यता है कि त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर में मांगा कि वह यह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने यह वरदान तो दे दिया लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहां रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगी। रावण इस बात के लिए मान गए।
रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन वो फिर से शिवलिंग उठा नहीं सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में यहीं विराजित हो गए। दसवां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। मान्यता है कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेशम दारुकाव ने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। ग्यारहवां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में ये शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। बारहवां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घृष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुई और शिव जी की पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वह यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए।